देखिए वोटर्स के अंदर उत्साह 7 बजे के बाद देखने को मिलेगा, जब उनकी कतारें हम देख पाएंगे और देखेंगे कि कितनी जल्दी वो यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि आधे घंटे बाद ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी जो अंतिम चरण की तैयारियां हैं वो यहां पर हो रही हैं, सुरक्षा कर्मियों का पहरा है। और अगर हम जयपुर अर्बन सीट की बात करें तो मंजू शर्मा चुनावी मैदान में है। मंजू शर्मा, आपको बता दें, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे भंवरलाल शर्मा, उनकी पुत्री हैं, जो पहले भी हवामहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन एक मामूली अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार पार्टी ने उन्हें संसद पहुंचाने का मन बना लिया है। साथ ही आपको बता दें, जो जयपुर अर्बन की हम बात करें या जयपुर रूरल की हम बात करें, ये दोनों ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इससे पहले यहां पर जो है रामचरण बोहरा जो है वो 2 बार सांसद रहे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला। और ऐसे में भी मंजू शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी महिलाओं को भी मौके देती है और उनकी प्राथमिकता यह है कि अगर वो जीतती है तो कैसे जो स्मार्ट सिटी जयपुर को बनाने का काम है, अधूरा काम, उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ का थोड़ा दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट की खासियत यह है कि तमाम तस्वीरें प्रियंका आप वहां से दिखा रही हैं। बिहार का रुख कर लेते हैं, जमुई से, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा की शुरुआत की थी, बिहार से, वहां से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है, कैसी हलचल? देखिए हलचल तो थोड़ी देर बाद शुरू होगी जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और 7 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान होना, एक विधानसभा को छोड़कर। लेकिन अभी मैं जमुई में हूँ, अरुण भारती जो रामविलास पासवान की जीजाजी हैं और यहाँ के कैंडिडेट हैं LJP से, वो इस वक्त पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद उनसे बातचीत भी होगी, पूरी तैयारी हो चुकी है। और अब देखिए भगवान से मन्नतें की जा रही है कि अब जीत होगी, जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि रामविलास पासवान की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी अरुण भारती के ऊपर में। पूजा पाठ से शुरुआत की जा रही दिन की, सब कुछ बेहतर हो, रिकॉर्ड मतों से जीते, इसकी भी कामना की जा रही है। हालांकि ऑफ द कैमरा बातचीत में अरुण भारती ने कहा कि उम्मीद उनको यही है कि जो विरासत उनको मिली है, जिसको संभाला था चिराग पासवान ने, अब अरुण भारती संभालेंगे और बेहतर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। लेकिन तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए भगवान की शरण में प्रार्थना करते हुए, क्योंकि जमुई जो है सुरक्षित सीट है और अपने बहनोई को टिकट देकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर बेटी और बहनोई के बीच में लड़ाई है। एक तरफ अरुण भारती तो दूसरी तरफ महागठबंधन से RJD की अर्चना रविदास हैं, जो यहाँ दलित हैं और उनके पति यादव हैं, तो उस कास्ट फैक्टर को लेकर यहाँ वो लड़ाई पोत रहे। लेकिन इनको अरुण भारती को ये उम्मीद है कि ये वोट बैंक जो चिराग पासवान ने जो अपनी काम से बनाई, अपनी पहचान बने, उसको ये इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे कि तस्वीर बिल्कुल अनूप इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और पूजा पाठ से दिन की शुरुआत, ताकि आज का दिन इनके लिए मंगल हो, क्योंकि आज के दिन से ही आगे की स्थितियां जो है वो ठीक हो पाएंगी 5 साल की। छिंदवाड़ा चलेंगे, सतविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतविजय, सबकी नजरें छिंदवाड़ा पर है और मैंने कहा भी था बीजेपी की खास तौर पर छिंदवाड़ा सीट पर है और बीजेपी चाहेगी कि इस बार जो पिछले कई सालों से चलता रहा है छिंदवाड़ा के राजनीतिक इतिहास में, उसको बदला जा सके। कितनी संभावनाएं हैं और वोटरों के अंदर कितना उत्साह आज देखा जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय, सबसे चर्चित सीट छिंदवाड़ा ही है और इस समय मैं शिकारपुर में हूँ। ये जो आप बंगला देख रहे हैं, ये कमलनाथ का ही बंगला है, यहीं पर कमलनाथ और नकुलनाथ इस समय घर के अंदर मौजूद हैं। और चूंकि हमें जो समय बताया कि 7:15 के लगभग कमलनाथ अपने परिवार के साथ यहाँ से निकलेंगे, बगल में ही शिकारपुर में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद वोटिंग डालेंगे। अगर लोकतंत्र या कहना चाहिए चुनाव के लिहाज से अगर बात करें, तो चूंकि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर पहले से ही जो है पिछले लोकसभा चुनाव भाजपा का कब्जा था, लेकिन सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा थी जिस पर कि मोदी लहर के बीच भी नकुलनाथ ने जीत दर्ज की थी। इसीलिए भाजपा पूरी ताकत जो है वो इस बार उन्होंने प्रचार में, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, सभी बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर रोड शो भी किए, सभाएं भी की, नाइट स्टे भी किया और सबकी कोशिश यही है कि कमलनाथ के इस गढ़ में वो सेंध लगा पाए। इसी लिहाज से पूरे देश की नज़र इस सीट पर है, क्योंकि कई ऐसे यहाँ के छिंदवाड़ा कमलनाथ के करीबी कांग्रेस नेता भी है, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो ऐसे में भाजपा का ये मानना है कि चाहे वो दीपक सक्सेना हो, कमलेश साह हो और यहाँ छिंदवाड़ा मेयर हो, ये सभी कमलनाथ के करीबी रहे हैं और ये सब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो भाजपा ये सोच कर चल रही है कि कमलनाथ की टीम को उन्होंने कमजोर कर दिया या कि यहाँ पर कमलनाथ की जो पकड़ है उसे कमजोर करने में वो कामयाब हुए, लेकिन आज वो दिन है जब फैसला हो जाएगा, जो वोटर है वो आज वो दिन है जब तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी EVM में। और दीपेश का रुख कर लेते हैं, नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, सवाल ये भी लोगों के मन में अब उठ रहा है कि क्या नितिन गडकरी तीसरी बार जीत के हैट्रिक लगा पाएंगे? अब वहां पे क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, अब उनसे इतर अब चूंकि मतदान का जो महापर्व है वो बहुत नजदीक आ चुका है, कुछ ही देर बची हुई है, उसके बाद जो मतदाता है वो अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मैं उस पर जिक्र करूंगा जल्दी, लेकिन इससे इतर मैं तस्वीर पहले दिखाना चाहूंगा। मैं उस भाऊजी दफ्तरी स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ आपसे कुछ देर बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे समय के चूंकि बहुत पाबंद हैं और यही कारण है कि ठीक 7 बजे के लगभग वे यहाँ पर पहुंचते हैं। और सबसे पहले जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल, अजय से कहूंगा जरा अंदर तस्वीरें दिखा दें कि तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है और अंतिम चरण में जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और अब सीधे अब से कुछ देर बाद जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, अजय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो मतदान केंद्र क्रमांक 55 है जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जिस बात का जिक्र अंजलि आप कर रही थी जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, चूंकि विदर्भ ये पूरा इलाका है, इसकी 5 जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर आज मतदान को रखा है, उसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, अब तकरीबन 20 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वहां पर कैसी तैयारी है, वोटरों के अंदर कैसा उत्साह है, और खासतौर पर बात अगर अनिल बलूनी की करें तो क्या ये लड़ाई वाकई अब माना जाए कि आगे दिलचस्प है या फिर अब एक तरफा हो चुकी है? भैया अलवर से मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, सबको पता है कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे आप सुन रहे थे भूपेन यादव जी को, उन्होंने कहा कि अलवर मेरी कर्म भूमि है, जिस तरीके से दूसरे आरोप लगा रहे हो केवल आरोप है। तो बिल्कुल भूपेंद्र यादव को आपने सुना। मीनाक्षी आप ही के पास हम लौटना चाहेंगे, सवाल वही है, कितनी तैयारी पोलिंग बूथ पर, मतदाताओं के अंदर कितना उत्साह? मीनाक्षी बिल्कुल देखिए वैभव, जहां मेरी मौजूदगी है पौड़ी गढ़वाल में, ये वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा सैनिक परिवार रहते हैं, सैनिक आते हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भी यहां पर होता है। अगर हम लोकसभा सीट की इधर बात करें तो विधानसभा 14 आती हैं, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनावों में 13 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में की थी, सिर्फ 1 सीट है जो कि कांग्रेस के हिस्से में गई है। तो मुकाबला तो बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि गणेश गोदियाल जो कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं वो 587 वोटों से हारे थे। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है लेकिन कड़ा नहीं माना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें इस लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से प्रदेश को सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री मिले हैं, 5 बार यहां से मुख्यमंत्री मिले हैं, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हेमकुंड साहिब हो, सब कुछ इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में लोग उस व्यक्ति पर भरोसा जताना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में इन सभी क्षेत्रों में विकास करेगा। क्योंकि अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, लोग यहां पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, और ऐसे में उनकी सुख सुविधा चुनाव प्रचार के दौरान ये भी देखा कि बीजेपी ने अपनी पूरी प्रचार लॉबी जो है वो झोंक दी गढ़वाल के अंदर, यानी कि अनिल बलूनी की जीत को लेकर बीजेपी भी ये चाहती थी कि वो आश्वस्त रहे अनिल बलूनी को लेकर। मीनाक्षी बिल्कुल, और अगर हम बीते दिनों की बात करें तो आचार संहिता लगने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आए थे सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए, और चाह रहे थे, उन्होंने अपील भी की थी कि अनिल बलूनी के पक्ष में आप मतदान करें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि विधानसभाओं का अगर हम जिक्र करते हैं तो 14 विधानसभा आती है, जिसमें से 13 ऑलरेडी बीजेपी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो वोटर्स है वो किसका है, किस पार्टी का है, और सैनिक बहुल क्षेत्र होने के कारण सीट पर सबसे ज्यादा दबदबा भी उसी व्यक्ति का रहता है जो आगे जाकर के आपकी बातों को रखता है। और हमने देखा है कि अनिल बलूनी की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो लोक पर्व है इगास, उनको किस तरीके से मजबूती के सामने उन्होंने देश के सामने रखा, उसे खुद उत्तराखंड में भी उसी तरीके से पहचान दिलाई, उसके लिए सरकारी छुट्टियां घोषित करवाई। तो अनिल बलूनी की अगर हम बात करते हैं तो यहां से स्थिति को आप बता रही हैं मीनाक्षी, और 10 तस्वीरें हम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल रख रहे हैं, जहां तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि महज 15 मिनट का वक्त बाकी है। और ऐसे में आप ये देखिए 10 दिग्गज हैं, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, अनिल बलूनी, संजीव बालियान, और इसके साथ तमाम जो दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जितेंद्र सिंह है, और इस बीच वैभव बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को एक बार बता देते हैं। बिल्कुल, इन 10 तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और एक खबर आपको बता दें, दरअसल अमित शाह आज नामांकन करेंगे, विजय मुहूर्त में गांधीनगर में पर्चा भरेंगे, नामांकन के बाद राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए भी अमित शाह नजर आएंगे। कल ताबड़तोड़ 3 रोड शो उन्होंने अहमदाबाद और गांधीनगर में किए,
और आज गांधीनगर से वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अमित शाह राजस्थान में चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे, यानी कि दो तस्वीरें आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। सबसे पहले अमित शाह गांधीनगर से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उसके बाद वो आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे और ये पांच तस्वीरें राजस्थान में अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तीन राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे और बाकी ये तस्वीरें। चार सौ पार की ओर कर रहा है, फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर से रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नामांकन से पहले और बाद में शाह के शक्ति प्रदर्शन के क्या है मायने, क्या है बीजेपी के चाणक्य की बड़ी तैयारी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं अमित शाह। अमित शाह आज गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी में बूथ के बाजीगर के नाम से जाने जाने वाले अमित शाह के नामांकन को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। गृह मंत्री आज दोपहर विजय मुहूर्त में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अमित शाह कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 12:39 पर तौर पर अपने पोलिंग बूथ पर वे पोल करने वाले हैं। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने संघ दफ्तर से पैदल चलकर वे मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और यही लोकतंत्र का महापर्व है कि हर शख्स उसमें अपनी जो सहभागिता है वो निभाता है। इस लोकतंत्र के महापर्व पर कैसे आहुति दी जाती है अपने मतदान की, उसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मेरे विजय अजय आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं। वे पैदल अपने संघ दफ्तर से मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त है 7 बजने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन सबसे पहले मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना और लोगों को यह मैसेज देना कि आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर पहुंच चुके हैं। उनका जो पोलिंग बूथ है वो पोलिंग बूथ क्रमांक 55 है। भाऊजी दफ्तरी जो उच्चतर प्राथमिक शाला है उसमें वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वे